डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूं और मैं आप सभी के बीच इसी प्रकार से मैं आता रहूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का क्रिस्टली डिफेक्टिव। मतलब आज हम लोग इस चीज़ों के बारे में मतलब कि डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सॉलिड डिफेक्टिव किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉलिड डिफेक्टिव, मतलब क्रिस्टलीय दोष किसे कहते हैं, दोष किसे कहते हैं। और यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है आपका, समझ रहे हैं ना। ये आपसे परिभाषा पूछ ले, ये आपसे इसी दोष में से जो है मतलब कि रस समीकरण मिति के अंदर जो है आते हैं आपका शॉर्ट की दोष और फ्रिंकल दोष हो सके उससे मतलब अंतर पूछ ले। लेकिन यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। आप लोग देखिए, अगर आप लोग एक बार अगर हमारे वीडियो को अच्छा प्रकार से देख लीजिएगा ना, अगर एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर दोबारा देख लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में आपका एक नंबर आपको क्वेश्चन आपका किसको बोलता है डाउट, अगर आपके अंदर का पूरा डाउट निकाल दूंगा मैं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्रिस्टल डिफेक्टिव बात यह है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जो है वो तो क्रिस्टल ही है, और डिफेक्टिव जो है, डिफेक्टिव का हिंदी क्या होता है, दोष, समझ रहे ना। डिफेक्टिव का हिंदी क्या होता है, दोष। तो पहले मैं आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये क्रिस्टलीय जालक का जो मैं ये फिगर जो मैं बनाया हूँ, तो आप इस फिगर को थोड़ा सा बना लीजिए इस प्रकार से, नहीं होगा तो फिर से मैं मिटा के भी मैं बता सकता हूँ फिर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बना लेंगे तो और अच्छी बात है। देखिए आयनिक क्रिस्टल, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक क्रिस्टलीय डिफेक्टिव। तो हम पहले इस प्रकार का जो है, आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार का पहले आप लोग एक अपना फिगर बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसको मैं मिटाता हूँ और फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो देखिए वीडियो को अगर आप लोग अधूरा जो छोड़ जो देते हैं ना, तो इसीलिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना। वीडियो को पूरा देखिए, अगर देखिएगा ना तो आपको समझ में आपको आएगा, अगर आपको समझ में ना आए ना तो कोनो दिक्कत नहीं, अगर समझ में ना आए तो अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा, मैं आपको साफ कहता हूँ। इनसे अच्छा आपको कहीं आपको नहीं समझा पाएगा आपको, मैं ये कहता हूँ। देखिए इस प्रकार का मतलब एक फिगर बना लीजिए, आप समझ रहे हैं ना, इस प्रकार का आप एक फिगर बना लीजिए, रुकिए एक मिनट, सॉरी, इस प्रकार का आप फिगर बना लीजिए। ईठो बहुत छोटा बन गया था, ईठो इस प्रकार का जो आप फिगर जो बनाएंगे ना, ये एक हम क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं, क्रिस्टल डिफेक्टिव का है, इसको साबित करने के लिए, समझ रहे हैं ना। ये आपको फिगर जो मैं बना जो रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, समझ रहे हैं, ये फिगर जो मैं आपको बना जो रहा हूँ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और बनाने का कोई मतलब नहीं होता इसका। देखिए ये फिगर जो बनाए हैं हमने, तो इस फिगर को क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टलीय, क्या कहते हैं, ये आदर्श क्रिस्टलीय कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टलीय दोष भी इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आदर्श क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो इस फिगर को पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम इसका मतलब कि डिफिनेशन पे जाएंगे हम। तो बात यह है कि क्या है ये आयनिक क्रिस्टल डिफेक्टिव,
मतलब NaCl। तो NaCl ये क्या है आपका, एक क्रिस्टल है। आप देखिए नमक जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, समझ रहे हैं ना। नमक नमक जो आपका है ये आपका क्रिस्टल ये ठोस में आपका आता है, अक्रिस्टल ठोस में ये नहीं आता है। नमक जो आपका है ये क्रिस्टल ठोस में, ये शुद्ध क्रिस्टल ये है, समझ रहे हैं ना। इस चीजों को हमें देखना होगा क्योंकि नमक जो आपका है ये केमिकल रिएक्शन करके मतलब बना सकते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये नमक बनता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये क्रिस्टल ठोस में पाए जाते हैं। तो अब अगला स्टेप चलते हैं। एन ए है इसमें हो गया, एन ए जो है एन ए सी एल, तो एन ए क्या हो गया, एन ए आपका हो गया प्लस चार्ज हो गया, सी एल ये क्या है आपका माइनस चार्ज आपका है। तो उसी प्रकार से जो है जितना भी यहाँ पर मतलब बिंदु आपको लग रहा है, तो यहाँ पर एन ए प्लस और सी एल माइनस, एन ए प्लस और सी एल माइनस, यहाँ पर सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, एन ए प्लस। तो इस प्रकार का आपको सभी में भर देना है, एन ए प्लस सी एल माइनस, एन ए प्लस यहाँ पर देना है सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, सी एल रुकिए सॉरी सी एल माइनस, एन ए प्लस और सी एल माइनस, एन ए प्लस और सी एल माइनस, एन ए प्लस और सी एल माइनस। तो इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है और हमें समझाना है कि आदर्श विलयन, आदर्श विलयन मतलब ये क्या है आपका एक विलयन, आदर्श विलयन मतलब ये आपका क्रिस्टलीय विलयन है, मतलब क्रिस्टलीय जालक बिंदु आपका ये हो गया और क्रिस्टलीय जालक हो गया ये। तो अब हमें एन ए सी एल जो है आपका ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल डिफेक्टिव को साबित करने के लिए मैंने लिया। तो एन ए सी एल मतलब एन ए यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम क्लोरीन, सोडियम प्लस चार्ज है और क्लोरीन क्या है माइनस चार्ज है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या सोडियम को प्लस चार्ज में और क्लोरीन को माइनस में सभी को एक क्रिस्टल जालक के रूप में जोड़ चुके हैं। अब अगला स्टेप चलते हैं हम लोग, हम लोग दोष किसे कहते हैं, बात यह है कि डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव कहते हैं किसे, अब हमें इस चीजों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब देखिए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव किसे कहते हैं, तो बात ये है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या बोल रहा है, किसी मतलब क्या बोल रहा है, किसी क्रिस्टली में परमाणुओं मतलब किसी क्रिस्टली में परमाणुओं परमाणुओं के नियमित क्रम में कोई विचलन हो जाता है। क्या बोल रहा है, किसी परमाणु मतलब क्या बोल रहे हैं, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के नियमित क्रम में कोई विचलन हो जाता है, मतलब परमाणुओं के क्या होते हैं नियमित क्रम में कोई विचलन हो जाता है, तो हम उसे अपूर्णता या दोष कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, हम उसे अपूर्णता या दोष कहते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, और इसको मैंने इसलिए थोड़ा समझाने के लिए मैंने बढ़िया से मैंने बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कि ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे वीडियो के अंदर में। अभी देखिए किसी क्रिस्टलों में मतलब क्या है, किसी क्रिस्टलों में परमाणुओं के नियमित क्रम में कोई विचलन हो जाता है, क्या है परमाणुओं के नियमित क्रम में क्या हो जाते हैं कोई विचलन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कोई विचलन हो जाते हैं, तो हम उसे अपूर्णता या दोष कहते हैं। तो बात यह है कि इससे आप समझ गए होंगे कि मतलब परमाणुओं के नियमित क्रम में क्या हो जाते हैं विचलन हो जाते हैं। तो विचलन होने का मतलब यह है कि आप इस फिगर में थोड़ा समझ लीजिए, आप जैसे मान लीजिए मैंने ये गोला बना दिया था पहले मैंने, और एन ए सी एल का मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एक क्रिस्टल है, और ए जी बी आर जो है ये भी आपका एक क्रिस्टल है, मतलब बहुत प्रकार के क्रिस्टल है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, उसमें जो है क्रिस्टल डिफेक्टिव मतलब क्रिस्टल है वो, समझ रहे हैं ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों चार्ज उसमें होना चाहिए। तो बात यह है वो मतलब कि केमिकल मतलब ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मतलब वो चीज़ है, समझ रहे हैं ना, जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज छुपा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका करेंट मतलब धारा जो प्रवाहित होता है, ये फिजिक्स का है, क्या है ये फिजिक्स का है कि मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, समझ रहे हैं ना,
इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ये फिजिक्स का है, लेकिन जो करंट जो बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, जो बनाते हैं हम लोग, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रसायन में चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे करंट कैसे बनाते हैं। तो उसी प्रकार की बात है, वो बना हुआ है, क्या है वो बना हुआ है, लाइट आ रहा है वहां से, समझ रहे हैं ना, बल्ब जल रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स का ही है। लेकिन फिजिक्स नहीं है, जो करंट बनता है वो करंट कैसे बनता है वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं ना, इसको समझना डिटेल्स में। इसी प्रकार से ये जो है NaCl जो है ये क्या आपका केमिकल है, मतलब केमिकल मतलब कोई भी दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक बड़े चीजों का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक बड़े चीजों का, वो आदर्श विलयन, मतलब ये क्या है, आदर्श विलयन का मतलब क्या होता है, मतलब आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक या दो से अधिक चीज मिलकर जो एक बड़े चीज का निर्माण करते हैं, हाँ, लेकिन उसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज उसमें होना चाहिए, तो हम उसे मतलब कि क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो उसी प्रकार के देखिए NaCl जो है, Na यहाँ पर है, Cl को यहाँ पर है, इसी NaCl को यहाँ पर अपने अपने मतलब कि गोलों के अंदर में अपने अपने मतलब कि इसके कण आयनिक के आयन के अंदर में, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है ना, हम इसको गोला नहीं बोल सकते, हम इसको अणु नहीं बोल सकते, हम इसको आयनिक है तो हम इसको आयन ही इसको हम बोलेंगे, ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए NaCl, NaCl मतलब अपने अपने जगह पे ये आयनिक क्रिस्टल जो है, अपने अपने जगह पे जो इसको मैंने बैठा दिया, जो बैठाया जो, तो वही जो मैंने इसको बैठा दिया हूँ अपने यहाँ NaCl को Na की जगह में, Cl को Cl की जगह में, जो मैंने जो बैठाया, तो उसी चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के नियमित क्रम में कोई विचलन हो जाता है, मतलब क्या होता है, परमाणु के नियमित क्रम में, ये क्या होता है, नियमित क्रम में एन है, सीएल यहाँ होगा, फिर एन यहाँ होगा, फिर सीएल यहाँ होगा, फिर यहाँ पर एन यहाँ है, सीएल यहाँ होगा, एन ए यहाँ पर है, रुकिए थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर, रुकिए रुकिए, फिगर में लिखने में, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए तो एन ए हो गया यहाँ पर, सी एल हो जाएगा यहाँ पर, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पर एन ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर सी एल आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन ए आपका हो जाएगा, सी एल हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी एल आपका हो जाएगा, क्योंकि देखने दीजिए एक बार, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, जो डाउट है डाउट को यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, एन ए आपका हो जाएगा प्लस चार्ज, और सी एल यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे ना, ये आपका एक तरह से सही बनाया मैंने, समझे, और पहले थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दर्शाने में थोड़ा सा हो गया था मिस, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो बात यहाँ ये है कि हो जाता है हर किसी से, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं, देखिए इसको दर्शाने में केवल इसको मतलब क्या है, NaCl जो है ये क्या है, निश्चित क्रम में इसको दर्शा रहे हैं, समझ रहे हैं, विचलन मतलब विचलित हो जाता है, नियमित क्रम में दर्शा रहे हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, दोष कहते हैं। तो आप बात करते हैं पॉइंट डिफेक्टिव की, बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं, मतलब बिंदु दोष की बात करते हैं, हम बिंदु दोष किसे कहते हैं, अब इसको समझाना है थोड़ा सा, किसी परमाणु या आयतन के, क्या है, किसी परमाणु या आयतन, मतलब परमाणु या आयतन कुछ भी बोल सकते हैं आप, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, किसी परमाणु या आयतन के अपने नियमित स्थान को लुप्त, अपने नियमित स्थान में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, क्या, किसी परमाणु या आयतन, क्या बोल रहे हैं, किसी परमाणु या आयतन वो क्या हो जाते हैं, अपने नियमित स्थान में लुप्त हो जाते हैं, मतलब अपने नियमित स्थान में वो शिफ्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, अपने नियमित स्थान में क्या हो जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर लुप्त हो जाने के बाद, हो जाने के कारण लिखे हैं परिभाषा में, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी स्थान या आयतन के अपने परमा अपने नियमित स्थान को अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण अपना स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसे बिंदु दोष कहते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, अपने स्थान क्या करते हैं,
ग्रहण कर लेते, जिससे NaCl जो NaCl अपने अपने स्थानों क्या क्या कर लिए, इसने ग्रहण कर लिए, समझ रहे ना, बात इतने से है। NaCl क्या किया, अपना अपना जहाँ जहाँ पर इसका अपना स्थान है, Na यहाँ पर है, यहाँ पर है इसका पड़ोसी, इसका Cl इसका होना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि करंट बिजली का बिजली जब भी धारा जब पहुँचता है, जब उसका अर्थिंग क्या होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर Na यहाँ पर है, Cl यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, फिर यहाँ Cl है, यहाँ Na होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना, फिर यहाँ Na है, यहाँ Cl होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से होना चाहिए, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, अगर प्लस अगर गर्म वाला तार रहेगा, अगर ठंड वाला तार अगर नहीं रहेगा, क्या बल्ब जलेगा, उसको तारथिंग चाहिए ना उनको। तो उसी प्रकार से ये है, वो भी एक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, वो बिजली बनाना, ये करना, वो करना, वो भी एक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर 3 में आराम से डिटेल्स में बात करेंगे। तो बिंदु दोष का मतलब ये हुआ कि अपने अपने बिंदु, जो ये बिंदु है, बिंदु जो है अपने अपने बिंदु पर क्या हो गए, ये आयन जो है जा करके शिफ्ट हो गए, समझ रहे हैं ना, इससे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर, मैंने समझा दिया मैंने आपको। और देखिए ये बीच वाला भाग जो होता है, ये बीच में खाली भाग जो होता है, तो इसको अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय भाग, समझ रहे हैं, बीच वाला भाग जो खोखला जो होता है, इसको अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं। तो चलिए बस आज को बस इतना सा ही, फिर अगला वीडियो में हम लोग मतलब लेकर के आएंगे, मतलब इसमें राज समीकरण मिति, आ रहा समीकरण मिति।